अगर आपने करना है तो फिर जो निखिल ने कहा है, आप आगे वर्ल्ड कप आप कहो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच फोरफीट करते, नहीं जा सकते जी अहमदाबाद, क्या होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से तैयार हुई है बाबर आजम की कप्तानी में, यंग कप्तान यंग टीम बनने में 2-3 साल लगते हैं, मुझे लगता है कि यह पाकिस्तान का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं टॉप 4 में पाकिस्तान को रखता हूं और एक एक मैच कभी कभी मैटर कर जाता है। इन दी एंड ये ना हो कि ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो एक मैच की बिना पे आप फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए बाद में। वो रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग करता है, किसी से नहीं डरता है, अकेले मैच जिताता है। पाकिस्तान के शतकवीर क्या चक्रव्यूह, भारत कैसे जीतेगा क्रिकेट युद्ध। रोहित विराट के बराबर अकेले बाबर 4 सालों से अकेले ढा रहा है कहर। इस बार भाग्य भी है बाबर आजम के साथ, क्या पाकिस्तान करेगा चमत्कार? आपको दिखाने जा रहे हैं विक्रांत गुप्ता का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि बाबर आजम ने वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर अपनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के दम पे अपना रुतबा और अपना दबदबा कायम रखा हुआ है, और इसी सिलसिले से रिलेटेड भारतीय मीडिया बाबर आजम की तारीफ किए बगैर ना रह पाया। वीडियो आगे जाके बड़ी सनसनीखेज होने जा रही है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस खूबसूरत रिपोर्ट की जानिब। आप लोग खुद अगर पाकिस्तान से हैं तो आप ही बताइए कि इस सब किचकिच से कि आपकी टीम को आप अपनी टीम को प्रेशर में नहीं डाल रहे हो, आप अपनी टीम को लटका के नहीं रख रहे हो हवा में, जाना है नहीं जाना है, होगा नहीं होगा। अच्छा सा वर्ल्ड कप है यार, आपकी यंग टीम है, अच्छी टीम है हिंदुस्तान। मैं तो अभी भी 4 अगर मैं गिनता हूं सेमीफाइनलिस्ट, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान और इंडिया को गिनता हूं एज ऑफ नाउ। वो रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग करता है, किसी से नहीं डरता है, अकेले मैच जिताता है। पाकिस्तान के शतकवीर क्या चक्रव्यूह, भारत कैसे जीतेगा क्रिकेट युद्ध। रोहित विराट के बराबर अकेले बाबर 4 सालों से अकेले ढा रहा है कहर। इस बार भाग्य भी है बाबर आजम के साथ, क्या पाकिस्तान करेगा चमत्कार? कुछ सवाल हैं जो वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी होते क्रिकेट फैंस के दिमाग में बार बार घूम रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भारत पाकिस्तान के बीच मैच के बाद टीवी के बदले पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या इस बार बाबर आजम की सजी टीम भारत से बहुप्रतीक्षित बदला ले लेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान की दशकों पुरानी टीस फिर से बाहर आ गई है। अब सवाल ये भी है ना कि पाकिस्तान के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1, आप जो तय कार्यक्रम है उसके हिसाब से खेलें। ऑप्शन 2, आप कहें हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और जो भी आईसीसी हमारे खिलाफ सैंक्शंस लगाना चाहता है या हमें बैन करना चाहता है वो कर दे, हमें कोई परवाह नहीं, हम क्रिकेट दुनिया में आइसोलेशन हमें मंजूर है। तीसरी ऑप्शन वो कहे कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी रीजन से हम अहमदाबाद वाला मैच नहीं खेलेंगे, हमारे पॉइंट्स जो हैं वो अब हम फोरफिट कर देते हैं, जो इससे पहले हो चुका है। इससे पहले आपको याद होगा 1996 वर्ल्ड कप श्रीलंका, 2 टीमें नहीं गई थी सिक्योरिटी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, और दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स फोरफिट किए थे। और उसके बाद अगर आप देखें तो 2003 में डिप्लोमेटिक रीजंस इंग्लैंड ने मना कर दिया था जिम्बाब्वे जाने के लिए, उन्होंने अपने पॉइंट्स फोरफिट किए थे। तो अब 3 में से 1 ऑप्शन उनके पास, अब कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? हालांकि जो आपने कहा कौन मुल्क है जो आइसोलेट होना चाहेगा, लीस्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहां पे आप पैसों के सैंक्शंस फेस करें, आपसे क्रिकेट ले ली जाए वो फेस करें, वो तो वो नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ बाबर आजम या उसकी बल्लेबाजी ही टीम इंडिया के लिए टेंशन नहीं है, पाकिस्तान के टक्कर की धारदार गेंदबाजी भी इस बार भारत के पास नहीं है। 23 साल के शाहीन शाफरीदी गेंद से धमाल मचा रहे हैं, वनडे में अब तक 35 पारियों में 23 की औसत से 70 विकेट ले चुके हैं, 35 रन देकर 6 विकेट बेस्ट प्रदर्शन है। T20 ब्लास्ट में उन्होंने 1 ओवर में 4 विकेट लेकर अपनी घातक गेंदबाजी का नमूना पेश कर दिया है। वो T20 में पारी के पहले ओवर में 4 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज भी बन गए हैं, जबकि टीम इंडिया को जिस गेंदबाज से सबसे ज्यादा उम्मीद है यॉर्कर का, वो सुल्तान चोट के कारण लंबे समय से बाहर है। जसप्रीत बुमराह ने 72 वनडे में 24 की औसत से 121 विकेट लिए, चोट के बाद उनके लिए वापसी आसान नहीं होने वाली है। बड़ी बात यह है कि इस बार बाबर आजम का भाग्य भी उसका साथ दे रहा है। 15 अक्टूबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक मैच होगा, बरसों बाद दोनों टीम वर्ल्ड कप में आमने सामने होंगे, जब लाखों दर्शक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर सबसे रोमांचक मैच देख रहे होंगे, जब दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें भारत पाकिस्तान के मैच के नतीजों पर टिकी रहेंगी, पाकिस्तान का कप्तान अपना जन्मदिन मना रहा होगा, बाबर आजम 29 साल के हो जाएंगे, जाहिर है कि पाकिस्तान की टीम अपने कप्तान को ऐतिहासिक गिफ्ट देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। बट आई थिंक वसीम अकरम की बात और शाहिद आफरीदी की बात आप उठा के देख लीजिए, इट इज सेंसिबल। अगर आपने करना है तो फिर जो निखिल ने कहा है, आप आगे वर्ल्ड कप आप कहो हम इंडिया पाकिस्तान का मैच फोरफीट करते, नहीं जा सकते जी अहमदाबाद, क्या होगा? पाकिस्तान का नुकसान होगा। हालांकि मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से तैयार हुई है बाबर आजम की कप्तानी में, यंग कप्तान यंग टीम बनने में 2-3 साल लगते हैं, मुझे लगता है कि यह पाकिस्तान का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं टॉप 4 में पाकिस्तान को रखता हूं और एक एक मैच कभी कभी मैटर कर जाता है। इन दी एंड ये ना हो कि ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो एक मैच की बिना पे आप फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाए बाद में। बट अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं, अगर आप आज ये कभी कभी होता है ना आपके पास कि टू विन द वॉर यू कैन लूज अ बैटल, या तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर दुनिया को हिलाना चाहता है कह दे आगे हैं बट ये मैच नहीं हम खेलने जा रहे, तो ये फैक्ट है कि जो
भले वो हिंदुस्तान की क्रिकेट हो या आईसीसी हो, वो हिल जाएगा। बट क्या पाकिस्तान में वो मादा है? बिकॉज डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उनको फिर उसका बहुत उनके लिए आने वाले वक्त में फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। 2011 में मिसबाह की कप्तानी में जो हुआ था उसे ठीक करने की उम्मीद बाबर आजम की टीम से की जाने लगी है और पाकिस्तान इस बार आश्वस्त है कि बाबर आजम को चमत्कार कर देगा, जिसके लिए 22 करोड़ पाकिस्तानियों की आंखें तरस गई है। और पाकिस्तानियों को यह यकीन इसलिए भी है क्योंकि बाबर आजम बल्ले से कहर ढा रहे। पिछले वर्ल्ड कप के बाद के मैच में बाबर का बल्ला विराट और रोहित से कहीं ज्यादा बोला है, बल्कि बाबर की बैटिंग के आगे हिंदुस्तान के दोनों शूरवीरों का रिकॉर्ड भी डोल रहा है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पिछले 4 साल में वनडे में कमाल का प्रदर्शन किया। अकेले विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक दोनों पर भारी पड़ गए। 15 जुलाई 2019 से वनडे के रिकॉर्ड की बात करें तो बाबर ने 28 मैच में 8 शतक और 11 अर्धशतक ठोका है। इनमें 158 रन की बड़ी पारी शामिल है। स्ट्राइक रेट 95 का रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबर आजम की इस धाकड़ बल्लेबाजी के आगे न विराट टिक पा रहे न रोहित शर्मा, बल्कि भारत के दोनों दिग्गजों ने मिलकर पिछले 4 सालों में 8 शतक ही लगाए हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली ने पिछले 4 साल में वनडे की 37 पारियों में 5 शतक लगाए। इसमें नाबाद 166 रन उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। वहीं रोहित शर्मा ने 27 पारियों में 3 शतक ठोके। इस तरह से कोहली और रोहित ने पिछले 4 साल में वनडे में मिलकर 8 शतक लगाए। इस बार आईपीएल में भी रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। जिस तरह बाबर आजम के आगे विराट और रोहित दोनों फेल हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान की टीम इस बार खेल कर देगी।